हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अरबी की सूखी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे 1 से 1.5 किलो अरबी हैं, जिनको मैंने बॉईल करके छील करके रख लिया है। इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और 1 कप के बराबर मेरा प्याज का पेस्ट है, और 1 चम्मच मेरी अजवाइन है। यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने 6 से 7 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है। अच्छे से हीट हो रहा है। इसमें मैं डालूंगी ये अजवाइन। अजवाइन अच्छे से क्रैकल होने लगी है। अभी मैं इसमें डालूंगी अपना प्याज का पेस्ट। थोड़ा सा प्याज को भूनने के बाद अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट मैं ऐड करूँगी। प्याज को भूनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका प्रोसेस बढ़ाने के लिए 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल देती हूँ, जिससे मेरी प्याज जल्दी भून जाएगी, और बाकी का 1/2 टीस्पून बाद में डालूँगी। तो मेरी प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो रही है, भुन रही है। 3 से 4 मिनट हो चुका है, मैंने 1/2 चम्मच नमक भी डाला था इसको जल्दी से भूनने के लिए। अभी मेरा ये जो 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट है, हरी मिर्च का, वो सब मैं ऐड कर देती हूँ साथ में, और इसके साथ ही मैं इसको 4 से 5 मिनट और भूनूंगी। उसके बाद मैं अपने सूखे मसाले इसमें डालूंगी। पहले थोड़ा सा इसको और भून लूँ। फ्लेम मेरा कम ही रहता है, ज़्यादातर आप लोग को पता ही है मैं ज़्यादा फ्लेम पर खाना नहीं बनाती। अच्छे से इसको भून लेती हूँ मैं 3-4 मिनट और। अच्छे से मेरा लहसुन अदरक ग्रीन चिली पेस्ट और प्याज का पेस्ट सब कुछ अच्छे से भून चुका है। दोनों को मिला के 7 से 8 मिनट हो चुका है भूनते भूनते। अब इसमें मैं सूखे मसाले डालूंगी। नमक मैंने 1/2 चम्मच पहले डाला, 1/2 चम्मच और डालूंगी, उतने में ही हो जाएगा। 1 चम्मच से थोड़ी सी कम डालूंगी मैं लाल मिर्च, और 1/3 चम्मच मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून। 2 चम्मच मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मेरा सॉल्ट बचा है वो ऐड कर दूंगी बस। थोड़ा सा डालूंगी पानी, क्योंकि मेरा मसाला एकदम सूख चुका है। 3 से 4 टेबलस्पून के जितना मैंने पानी डाला है। मसाला के साथ भी हम 3-4 मिनट और भून लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम अपनी अरबी डालेंगे इसमें। मेरा मसाला अच्छे से भून चुका था, अभी भी मैंने अरबियाँ डाली हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो पहले से कट कर लीजिए, नहीं तो इसी में मैश हो जाती हैं। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरी अरबी की बहुत ही डिलीशियस सी सूखे मसाले की सब्ज़ी तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप चाहें तो लास्ट में इसमें नींबू का रस भी डाल दें, इसमें खटाई बहुत अच्छी लगती है। चलिए फिर, अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।